बस्मिल्ल रन अस्सलाम अकुम फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड ये जो आप शर्ट देख रहे हैं इसकी हमने सिंपल कटिंग आपको अपनी इससे पहले वाली वीडियो में लगाई है यानी कि सिंपल कटिंग कैसे की जाती है और इसके साथ ही इसके स्लीव्स आप देख सकते हैं हमने स्लीव्स की भी कट वाली वीडियो बनाई है और आप चाहें तो पैंचों में बना लें आप दामन में बनाएं, आप नेक पर बनाएं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये दोनों स्लीप पर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये देखिएगा ये मैंने इस तरीके से रख कर दिखाई थी ताकि आपको सही तरीके से नजर आ जाए फ्रेंड आप साइड में देखिएगा पाइपिंग कितनी नीट लगी हुई है आप जो घर पर फैब्रिक है आप उससे ये इनर लगा सकते हैं बनाकर ये देखिए साइड में बारीक सी डोरी डालें और ये इनर घर पर बना हुआ है जो हमने इस पर लगाया हुआ है यानी कि हमारे शाइनिंग वाला कपड़ा है पैलिस कहते हैं से कुछ भी कह सकते हैं देखिएगा कॉर्नर भी नहीं है कटिंग की वजह से बिल्कुल कॉर्नर के बगैर और इनर देखिएगा कितना बारीक और नीट और आप ये देखिएगा फिर यहाँ पर भी कितने अच्छे तरीके से पक्का किया हुआ है और ये देखिएगा ये नीचे दामन पर वही कट बने हैं जो स्लीव्स पर बने हुए और ये दामन पर और ये साइड का आप देख सकते हैं इनर और शर्ट फ्रेंड यकीनन आपको हमारी ये कट शर्ट और फ्रिज के भी डिज़ाइन कटवर्क है एप्लिक है सबसे पहले आपने क्या करना है ये एक गोल रिंग ले लेना है जैसे हमारे पास कोई बोतल का ढक्कन है छोटे साइज़ का बड़े साइज़ का आप उससे दायरे बनाएं। चिप बुकरम पर चिप बुकरम पर लगाकर, फिर आप एक फैब्रिक पर लगाएँ जो लाइनिंग वाला है इस पर अटैच करें फिर उल्टी साइड रखें ये सिलाई लगाते जाएं, जब तमाम सिलाई कंप्लीट हो जाए और फिर यहाँ पर कट लगाएं, सब पर कट लगाने के बाद आपने यहाँ पर इसे मोड़कर और ये देखिएगा, एक बारीक सी नीट सी सिलाई लगाएं, ताकि ये नीट सा दामन बन जाए तो फ्रेंड ये इतने इजी और आसान है, आप पैंचों पर भी बना लें आप दामन पर बनाएं और इसका नेक पर नहीं बनाए जो ये शर्ट पहनती है वो नेक इस तरह की पहनती है या गोल और पीछे की भी बैक बिल्कुल थोड़ी सी कटिंग करते हैं ताकि हमारी नेक पीछे की साइड ना जाए कुछ लेडीज़ के नेक होती है आगे की साइड ज़्यादा आ जाती है किसी की पीछे की साइड चली जाती है तो ये इस तरह नहीं है इस पर ये एम्ब्रॉयडरी है और इसी तरह ये इस पर ये प्रिंट है फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा और फ्रेंड हम इसके जो शलवार है उसके भी कट की वीडियो आपको दिखाने लगे हैं बहुत सारी दुआओं के साथ हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा खुश रहें खुशी बाटें दुआओं में याद रखिएगा अपना भी ख्याल रखिएगा मम्मा बाबा का बहुत ख्याल रखें उनसे आप हैं और उनका ख्याल रखें खुश रहेंगे हमेशा आमीन